जालौन से देखें इस वक्त की खबर आ रही है। उर्फ प्रदर्शनी की बजाय शांतिपूर्व सवैया के साथ ही आपको पता चले अलग अलग पॉजिटिव तरीकों को अपनाकर किए जा रहे विरोध से प्रशासन कर्नाटक में दम कर दिया है। लेखपाल के साथ ही स्वर्ग की जायजा मांग को साथ ही समुचित समाधान न होने पर लेखपाल प्रत्यय आह्वान में 5 नवम्बर से विरोध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पहले लेखपाल के अतिरिक्त हल्कों में आपको बता दें चर्चा छोड़कर अपने युवा निवासी अन्य काम बंद कर दिया गया है। जिन पर गांव के लेखपाल नहीं है उसके मुताबिक बड़ी हुई है। इसके बाद लेखपाल 14 नवंबर को स्थापना दिवस मनाकर रक्तदान किया है। आज सभी लेखपाल ने अपनी रैली निकाल कर विरोध जताते हुए उन्होंने कहा है कि सरकारी कार्य की वह अपने निजी कार्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रूटीन वाहनों के द्वारा ही क्षेत्र में जाएंगे। कार्य में आपको बता दें कि विलम्ब होकर उत्तरदायित्व नहीं होंगे। आइए सुनते हैं इनका एक बार बयान। जैसा कि पूर्व से हमारे समस्त साथियों को मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत रहा होगा कि प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक के अनुसार आज दिनांक 19/11/2019 को प्रांतीय आह्वान पर मोटरसाइकिल रैली 2 बजे के बाद से संपूर्ण माधोगढ़ के कस्बे में निकाल करके तहसील में उसका समापन किया गया। आज से ही हमारे समस्त साथी प्रांतीय आह्वान पर और उनके निर्देश पर व्हाट्सएप ग्रुप का काम बंद कर देंगे। सभी लोगों ने मेरे सानिध्य में व्हाट्सएप से जो ऐप हमारा तहसील का जुड़ा हुआ था उससे अपना अपना ग्रुप से हटा दिया है। आगे की रणनीति में इसके पहले क्रमबद्ध तरीके में हमारे यहाँ 14 तारीख को संघ के स्थापना दिवस पर रक्तदान हुआ था, आज मोटरसाइकिल रैली हुई। इसके बाद 26 तारीख को हम तहसील में समय 10 बजे से 2 बजे तक अपनी मांगों के प्रयास में तहसील में बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। 2 बजे श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में अपना ज्ञापन देंगे एवं 28 तारीख को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें जो दिशा निर्देश हमें प्रांतीय कार्यकारिणी से मिलेंगे अग्रिम कार्रवाई उसमें हम तय करेंगे। लगभग कितनी संख्या होगी लेखपालों की आज रैली में? 40 लेखपाल है, 40 में 40 हमारे साथ थे, मोटरसाइकिलें 25 थी। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए